नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। मैं हूं अदिति अवस्थी। वक्त हो गया है न्यूज 100 का, तो शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाने का सिलसिला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, 2 जवान भी शहीद। भारत की सीमा में घुसे पाकिस्तान बैठ के आतंकी 600 मीटर अंदर तक आए, घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना ने भेजा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर, एनकाउंटर के बाद बाकी आतंकी भागे, आतंकियों की तलाश जारी। कुपवाड़ा एनकाउंटर में आतंकियों से हथियार बरामद, AK-47 के अलावा कारतूस मिले। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकी मार गिराए। पुलवामा में आतंकियों को बचाने की कोशिश, स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू, सुरक्षा बलों ने 258 आतंकियों की लिस्ट तैयार की, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। खुफिया एजेंसियों ने लश्कर हिजबुल के आतंकियों की पहचान की, जम्मू कश्मीर के 13 जिलों में छिपे 130 आतंकियों को खत्म करने की मुहिम। 128 पाकिस्तानी आतंकियों की भी पहचान हुई, पिछले 24 घंटे में मारे जा चुके हैं 6 आतंकी। जम्मू कश्मीर के बागपुरा और मरहवा गांव को खाली कराया गया, आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के काजीकुंड से बारामूला ट्रेन सेवा स्थगित, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए फैसला लिया गया। UN सेक्रेटरी जनरल के मध्यस्थता वाले बयान पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब, कहा भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत से सुलझेगा आपसी विवाद। UN में बलोच रिपब्लिकन पार्टी के नेता अब्दुल नवाज बुख्ती ने CPEC पर सवाल उठाए, कहा कॉरिडोर से इलाके में अस्थिरता पैदा होगी। देश विरोधी नारे लगाने वालों पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का बयान, कहा ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। MP के बुरहानपुर में 15 लोगों से हटाया गया देशद्रोह का चार्ज, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की हार के बाद देश विरोधी नारेबाजी का आरोप। भारतीय सेना की ताकत और बढ़ी, अमेरिका की M777 होविट्जर गन जखीरे में शामिल, पोखरण फायरिंग रेंज में चल रहा है ट्रायल। भारतीय छात्रों ने बजाया अंतरिक्ष में डंका, चेन्नई के छात्रों का बनाया दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट कलाम सेट, नासा ने अंतरिक्ष में भेजा। विपक्ष ने मीरा कुमार को बनाया राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार, दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक में ये फैसला लिया गया। सोनिया गांधी ने रखा था मीरा कुमार के नाम का प्रस्ताव, विपक्ष की बैठक में 17 दलों ने दिया मीरा कुमार को समर्थन। बिहार के सासाराम में सांसद हैं मीरा कुमार, पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी है मीरा, लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने खेला दलित कार्ड, दोनों ने दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष के बाकी दलों से मांगा समर्थन, JDU, AIADMK और BJD ने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया है। कोविंद के समर्थन पर नीतीश से फैसला बदलने की अपील करेंगे लालू प्रसाद यादव, कहा ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं नीतीश, कल करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर RJD और JDU के बीच बढ़ी दरार, RJD नेता रघुवंश प्रसाद ने कहा विपक्ष को कमजोर कर रही है JDU। NDA उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन पर सवाल उठाने वालों को JDU ने दी चेतावनी, कहा राजनीतिक पार्टी होने के नाते फैसला लेने का अधिकार है। महागठबंधन में दरार को लेकर डिप्टी CM तेजस्वी यादव का डैमेज कंट्रोल, कहा नीतीश के फैसले से महागठबंधन पर नहीं पड़ेगा असर। NDA के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद पर कल दाखिल करेंगे नामांकन, सुबह 11 बजे भरेंगे पर्चा। NDA के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी से की मुलाकात, कल आडवाणी और जोशी से मिले थे कोविंद। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने संभाला बिहार के राज्यपाल का पदभार, शपथ ग्रहण समारोह में CM नीतीश समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। 11वें दिन भी बंद रहा दार्जिलिंग, गोरखालैंड की मांग पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आंदोलन। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का ऐलान, जारी रहेगा अनिश्चितकालीन बंद, पहले हटाए जाए सुरक्षा बल। दार्जिलिंग के हालात पर CM ममता बैनर्जी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस और लेफ्ट का बैठक में शामिल होने से इनकार। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को दिया समर्थन, अलग गोरखालैंड की मांग पर समर्थन दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को GST लाने की दिशा में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया, GST को बताया एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म। कर्ज माफी को लेकर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का बड़ा बयान, कहा कर्ज माफी से किसानों की दिक्कतें नहीं होंगी खत्म, कर्ज माफी आखिरी विकल्प। मुंबई से सटे डोंबिवली में किसानों का हिंसक प्रदर्शन, ठाणे बदलापुर हाईवे को जाम किया। डोंबिवली में नाराज किसानों ने कई गाड़ियों में आग लगाई, प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी से कई पुलिसकर्मी घायल हुए। डोंबिवली में नाराज किसानों का आरोप, एयरफोर्स के लिए बन रहे एयरपोर्ट के लिए जबरदस्ती ले रहे हैं जमीन, नौसेना की बताई जा रही है ये जमीन। MP के होशंगाबाद में किसानों का प्रदर्शन, ट्रेन रोकी, यातायात भी बाधित किया। MP के उज्जैन में किसान ने थाने में फेंका 16 टन प्याज, ट्रक को रोके जाने से था नाराज। MP के छतरपुर में 70 साल के किसान ने की खुदकुशी, फसल खराब होने और कर्ज
के लिए परेशान था। बीजेपी सांसद प्रहलाद पटेल ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, कहा एमपी में अफसरशाही हावी, सरकार को चिंतन करने की जरूरत है। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों का हंगामा, मार्शल्स ने सभी को सदन से बाहर किया। पंजाब विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी विधायक सुखपाल खेरा और लोक इंसाफ पार्टी के बैंस बंधुओं के बीच हाथापाई, पुलिस वालों ने किया बीच बचाव। रांची की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए लालू यादव, कोर्ट में निजी तौर पर पेश होने से मांगी थी छूट, कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी। शीना बोरा हत्याकांड में 4 जुलाई तक टली सुनवाई, मुंबई की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है मामला। लखनऊ में सीएम योगी ने की अफसरों से मुलाकात, दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी समारोह की तैयारी पर चर्चा हुई। यूपी के मेरठ में बाइक चोरी के आरोपी की बेरहमी से पिटाई, लोगों ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा था। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, गांव वालों ने की मारपीट। संभल में दबंगों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को गोली मारी, संपत्ति विवाद की वजह से हमला किया। जालंधर में एक मॉल के बाहर फायरिंग, रेस्टोरेंट में खाना खाने आए लोगों की वेटर से लड़ाई हुई, फायरिंग में 2 लोग घायल हुए। डीएमआरसी पिंक लाइन पर शकरपुर से मायापुरी के बीच ट्रायल रन शुरू कर चुका है, एमडी मंगू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। गुरुग्राम से सटे ग्रेटर नोएडा के बीच चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने कार भी जब्त की। गुरुग्राम के एमजी रोड पर सोनीपत की 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई, जिसकी जानकारी लड़कियों ने सोशल मीडिया पर दी। जयपुर में मैरिज गार्डन में मासूम से रेप की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। राजस्थान के पोखरण में मनचले की मरम्मत, महिला ने मनचले को जमकर पीटा, महिला से की थी छेड़छाड़। राजस्थान के जोधपुर में घर में सो रही महिला के बाल काटे गए, तंत्र मंत्र का शक। इंदौर में विदेशी महिला के साथ मारपीट, तमाशा देखती रही पुलिस, बाद में आरोपियों को हिरासत में लिया। एमपी के इंदौर में एमवाई अस्पताल में बड़ी लापरवाही, करीब 15 मिनट तक बंद रही ऑक्सीजन सप्लाई, अब तक 7 लोगों की मौत, हॉस्पिटल प्रशासन ने इस खबर को गलत बताया। इंदौर कमिश्नर ने ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने की खबर को गलत कहा अस्पताल में हर दिन होती है 7 से 8 मौतें। एमपी के सीहोर में मोबाइल फोन फटने से बच्चा हुआ जख्मी, हाथ की एक उंगली उड़ी, गेम खेलते वक्त यह हादसा हुआ। राजस्थान के झुंझुनू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के तकनीकी सहायक को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जैसलमेर में मामूली बात पर विवाद, 2 पक्षों के बीच हुआ पथराव, 6 लोग इसमें घायल हुए। राजस्थान के अलवर में निजी कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन, मजदूरों ने कंपनी प्रबंधक पर नौकरी से निकालने का आरोप लगाया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में ड्रग्स तस्कर को 12 साल की सजा मिली, 2013 में 0.5 किलो ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया था। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश, लोगों के घर में घुसा पानी, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अजमेर स्टेशन से 2 किलो चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया मामला। एमपी के मुरैना में 24 से ज्यादा मरे मोर मिले, पानी की कमी की वजह से मौत की आशंका। इंदौर में कीड़े के काटने से महिला सिपाही की मौत, शूटिंग की प्रैक्टिस के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नकली नोटों के साथ 2 लोग गिरफ्तार, नकली नोट बनाने का सामान भी बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के शिक्षा कर्मियों का धरना प्रदर्शन, हड़ताल से स्कूली बच्चों को परेशानी, प्रदेश भर में बंद रहे स्कूल। बिहार में मैट्रिक के रिजल्ट की घोषणा, 50.12% छात्र हुए पास, लखीसराय के प्रेम कुमार बने टॉपर, सरकार देगी 1 लाख रुपए और लैपटॉप। बिहार के सासाराम में स्कूल के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद, पकड़ी गई शराब की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मनेर में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार की मौके पर ही मौत हुई। बेंगलुरु में टर्किश करेंसी के 78 नोट बरामद, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दक्षिण अफगानिस्तान के लश्करगढ़ में धमाका हुआ, 29 की मौत, 50 से ज्यादा घायल, बारूद से लदी कार को बैग से टकरा दिया गया, उसमें धमाका हुआ। चीन के कई शहरों में भारी बारिश से तबाही, जगह जगह पेड़ गिरे, लंबा ट्रैफिक जाम हटाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। चीन के हानियांग प्रांत में बहकर समंदर किनारे पहुंची शाख को फिर से पानी में धकेला गया, आसपास रहने वाले लोगों ने पुलिस को खबर की। पेरिस एयरशो में दिखाई दिया एयरबेस A321 और A320 का जलवा, बोइंग के विमानों को खरीदने के लिए मिले ज्यादा ऑर्डर। जर्मनी के बर्लिन में विदेशी पर्यटक और स्थानीय निवासियों ने लिया आइस कॉकटेल का मजा, बर्लिन में मशहूर हुआ आइस कॉकटेल का चलन। सेंसेक्स ने आज फिर इंट्राडे में रिकॉर्ड स्तर को छुआ, लेकिन बाद में लुढ़का शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट स्तर पर बंद हुए। जीएसटी के बाद भी महंगी नहीं होगी बिजली, बोले पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल, 1 जुलाई से जीएसटी के लिए तैयार है पावर सेक्टर। पीएफ के पैसों से घर बनाने की शर्तों में नरमी, अब 3 साल बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं पीएफ का पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नियमों में दी गई ढील। डुअल एमआरपी पर सामान बेचने वालों की अब खैर नहीं, सरकार डुअल एमआरपी पर कल जारी करेगी नया नियम। शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल में एमआरपी से ज्यादा पर बेचे जाने की सामान शिकायतें आ रही हैं। कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनियों ने एनपीए से निपटने का दिया रोड मैप, मुलाकात के बाद बोले टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा, सेक्टर की दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार करेगी कोशिश। भारत में आज लॉन्च हुआ स्मार्टफोन OnePlus 5, भारत में शुरुआती कीमत है 33,000 रुपए।
वर्ल्ड हॉकी लीग के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मलेशिया के बीच मुकाबला, अब से थोड़ी देर में शुरू होगा मैच। भारत के किदांबी श्रीकांत ने एक बार फिर वर्ल्ड नंबर वन को हराया। साउथ कोरिया के सोनवान को ऑस्ट्रेलियन ओपन में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे श्रीकांत। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस सिंगल के क्वार्टर फाइनल में दो भारतीयों के बीच होगा मुकाबला। किदांबी श्रीकांत से भिड़ेंगे साई प्रणीत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। सिंधु ने चीन की चेन जियाओजिन को 21-13, 21-18 से हराया। साइना नेहवाल भी जीती। विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच अब ट्विटर वॉर। विराट ने डिलीट किया कुंबले के लिए पिछले साल लिखा वेलकम मैसेज। अक्षय कुमार के साथ टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय करेंगी अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत। मौनी रॉय को फिल्म गोल्ड के लिए चुना गया, ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार। सलमान खान ने अक्षय कुमार की तारीफ की, कहा हम तीनों खान से बड़े स्टार हैं अक्षय कुमार। फिल्म जग्गा जासूस में नहीं होगा शाहरुख का गेस्ट रोल। रणबीर कपूर ने अटकलों को किया खारिज।